मध्य प्रदेश के कटनी से खबर है, जहां बाकल थाना प्रभारी अनिल यादव अपने पुलिस बल के साथ रात्रि गश्त पर निकले थे। इस दौरान उन्होंने दो लोगों को पकड़ा, जिन्होंने कटनी में 5 और जबलपुर से 7 मोटरसाइकिलें चुराने की बात कबूली। बता दें कि बाकल पुलिस ने चोरी की गई सभी गाड़ियों को बरामद कर रविवार को खुलासा किया। वहीं बहुरी बंद SDOP अखिलेश गौड़ ने मीडिया से बात की और बाकल पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की भी जानकारी मीडिया को दी। कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। की रात्रि के दौरान 20 तारीख बाकल पुलिस जब रात्रि गश्त कर रही थी, उस दौरान ग्राम कुर्सी मोड़ पर दो संदिग्ध लड़के एक बिना नंबर वाली गाड़ी को रिपोर्ट कर, जो हमारी टीम के द्वारा उनसे पूछताछ की गई संदर्भ, जो उचित कारण न तो बता पा रहे थे और न ही गाड़ी के संदर्भ में कोई तत्व या कागज प्रस्तुत कर पा रहे थे, जिनको पूछताछ की गई थाने लाकर और जब गाड़ी की जानकारी हमारी पुलिस के पोर्टल पर दी गई तो ये चोरी वाली गाड़ी बना पाए गए, उसके आधार पे इनसे और अग्रिम पूछताछ जब की गई तो इनके द्वारा कोई 7 गाड़ियां इस प्रकार से चोरी करना बताई गई, जिनमें से 3 गाड़ी थाना रिखी क्षेत्र जिनकी एफ आई आर रिखी में होती है, 2 गाड़ियाँ कटनी के अन्य थानों की और एक एक गाड़ी सीहोरा और जबलपुर की इन्होंने बताई, जिनको इनके वर्णन के आधार पर जब्त किया गया और विधिवत इसमें कार्रवाई करते हुए इनको हिरासत में लेके अग्रिम कार्रवाई की गई और आज इसमें हमको न्यायालय